तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ एक बात कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आप उसको क्लिक करके खोलते हैं तो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें बैंक अकाउंट खोलना है एक्सिस बैंक में, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे ओपन ASAP अकाउंट पे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा खुल के आएगा सामने, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आप एक्सिस ASAP अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें आपको 7.30% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं और ब्रांच आप खुद से चूज़ कर सकते हैं। जब आप आधार कार्ड डिटेल देंगे और पैन कार्ड का, तो आपको ब्रांच भी चुनने का मौका मिलेगा। तो आप आगे चल के देख सकते हैं मैं अकाउंट बनाऊंगा तो, और ये क्रिएट सेविंग गोल्स। तो हम लोग नीचे जाते हैं, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे ओपन विथ आधार, मतलब आधार के साथ ओपन करें, और ये ओपन विदाउट आधार, तो हम लोग जाएंगे ओपन विथ आधार के साथ। तो इस पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे यहाँ पे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप अपना फुल नेम, आपका फुल नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नाम डालेंगे अपना और उनका मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए इनका मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे नीचे आधार नंबर मांग रहा है, तो आधार नंबर हम लोग डालेंगे यहाँ पे। आधार नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि पैन नंबर मांग रहा है, तो पैन नंबर भी देंगे हम लोग नीचे। पैन नंबर देने के बाद आप लोग देखेंगे कि नीचे एक कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। आई एग्री दैट दी बिलो स्टेटमेंट आर ट्रू, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपने सही सारा डिटेल भरा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, टिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके आधार में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गया, तो उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP देने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल आ चुका है, मैंने OTP वेरीफाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल आ चुका है। डिटेल आने के बाद यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे कि ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी डालेंगे। उसके नीचे हम लोग देखेंगे कि फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो चलिए हम फादर नेम भरते हैं। नीचे आप लोग देखिए कि यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, चलिए भरते हैं। उसके बाद नीचे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर सिंगल हैं तो सिंगल भर सकते हैं और मैरिड हैं तो मैरिड भर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सिंगल हूँ इसलिए सिंगल भर रहा हूँ। रेसिडेंटियल एड्रेस उसके नीचे पूछ रहा है, तो रेंट पे रहते हैं, लीज पे रहते हैं, या कंपनी कोई प्रोवाइड की है आपको, या आप घर के ऑनर हैं, तो मैं ऑनर में डालता हूँ जो आप घर में रहते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, तो यहाँ पे मैं डालूँगा स्टूडेंट, और इनकम कितनी है, तो 1 लाख से कम है, और स्टेट मैं अपना भरूँगा। ये मैंने अपना ऑक्यूपेशन भर दिया, इनकम भर दिया, स्टेट भर दिया और सिटी भर दिया। उसके बाद हम लोग भरेंगे ब्रांच चूज़ करेंगे,
क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि इसमें ब्रांच भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप हम लोग यहाँ पे ब्रांच चूज़ करेंगे मेरे एरिया का। यहाँ पे देखेंगे नीचे फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आप किसी बैंक में सब्सिडी आपकी नहीं जाती है, किसी प्रकार की सब्सिडी जैसे गैस की सब्सिडी आप किसी बैंक में लेते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर कि आप किसी और बैंक में सब्सिडी लेते हैं तो, अगर नहीं लेते हैं तो इस पे टिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं क्योंकि मैं किसी भी बैंक में सब्सिडी नहीं ले रहा हूँ अभी, तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। वहाँ पे क्लिक करके तो हमने पर्सनल डिटेल फुल फिल कर लिया। अब नॉमिनी की बारी है, देख सकते हैं आप नॉमिनी है। तो नॉमिनी में आप ये परिवार के किसी भी सदस्य का नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और जिस भी नॉमिनी का आपने नाम नेम यहाँ पे डाला है उनसे उसका रिलेशन क्या है यहाँ पे चूज़ करना है। तो चलिए चूज़ करते हैं। तो जिस भी आपने नॉमिनी का नेम डाला है और रिलेशन बताया आपने यहाँ पे, तो उनका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ उनका। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने सब कुछ पूरा डिटेल आ चुका है जो हमने स्टार्टिंग से दिया था, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मैं सारा डिटेल सिक्योरिटी पर्पस के कारण मैं नहीं दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अकाउंट का ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद नॉमिनी का यहाँ पे हम लोग आ गए सेट पिन पे। तो आपको ये एक वर्चुअल डेबिट कार्ड देगा, जैसे आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड रहता है उस पर आपका कार्ड नंबर होता है, सीवी नंबर और एक्सपायरी डेट, वैसे ही आपको एक वर्चुअल देगा जो आपके फ़ोटो केवल उसका होगा आपके पास। तो उसी कार्ड का पिन सेट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग पिन यहाँ पे सेट करते हैं जो आपको वर्चुअल कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें पिन भी मांगता है डेबिट कार्ड का, तो उसके लिए ज़रूरी है ये। तो यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं पिन, और पिन डालने के बाद यहाँ पे हम लोग सेट पे क्लिक कर देते हैं, सेट पिन पे। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि एक वर्चुअल कार्ड मिलता है जिस पे कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवी नंबर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये खुल के आ चुका है हमारे पास ये वर्चुअल कार्ड, जिस पे कार्ड का नंबर है और एक्सपायरी डेट है और नेम है हमारा। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो मैंने बोला था सीवी नंबर के लिए, तो सीवी नंबर ये है। बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वर्चुअल कार्ड है। जब भी आप किसी इस बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ये डिजिट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नंबर आपको चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। आधार में जो मोबाइल नंबर सेट है उसी पे एक OTP गया होगा, उसको यहाँ पे डाल के कन्फर्म करना है। तो चलिए हम लोग डालते हैं वो OTP। तो उसके बाद हम लोग वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको 1000 रुपये ऐड करने हैं, और 1000 रुपये ऐड करते ही आप फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके लिए आपको 345 रुपये चार्ज किया जाएगा पर एनम, जिसमें से आपने 1000 जो ऐड किया है उसमें से आपको पहले साल के लिए काट लिया जाएगा 345 रुपये, और बाकी का आपके बैंक अकाउंट में रहेगा।
1000 का पेमेंट कर चुका है तो अभी पूछ रहा है मेरे से कि आपके कार्ड पे, फिजिकल कार्ड पे जब आप लेंगे फिजिकल कार्ड तो उस पे नेम किसका होना चाहिए। तो आप अपना ही नाम, जाहिर सी बात है अपना ही नाम डालेंगे, तो मैंने नेम डाल दिया इस पे और डन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट आ चुका है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड यहाँ पे बन के आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे एक नोटिस दिया हुआ है, एज पर आरबीआई गाइडलाइन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन एट एनी एक्सिस ब्रांच विद इन 1 ईयर। मतलब आपको 1 साल के अंदर में आपको किसी भी एक्सिस ब्रांच में जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से वेरिफिकेशन करना होगा इस अकाउंट का, नहीं तो 1 साल बाद ये अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर आप कभी भी इस अकाउंट को रीओपन नहीं कर सकते हैं। और आपको इस अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस आप रख सकते हैं इस अकाउंट में, और 2 लाख का आप इसमें आप 2 लाख का बैलेंस नहीं मंगा सकते हैं किसी से, और इसमें आपको कोई चेकबुक नहीं मिलेगा। यही 3 कंडीशन है इसमें। और लेकिन ये अगर आप नहीं कराते हैं KYC तो 1 साल के अंदर में ये आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया।